एनजीटी ने मात्र सदन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरिद्वार में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। नेशनल हाईवे काम पर पिछले एक सप्ताह से ब्रेक लग गया है, जिसका असर अब धर्मनगरी में दिखना शुरू हो गया है। उधर एनजीटी के आदेश के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने गंगा और सहायक नदियों में खनन पर रोक लगा दी है। एसडीएम मनीष कुमार ने कहा कि एनजीटी के आदेशों का पालन होना भी जरूरी है। ये माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो पारित आदेश है गंगा एवं उसकी सहायक नदियों पर खनन कार्य बंद करने को लेकर, उसके क्रम में जो प्रभागीय लॉगिंग प्रबंधक हैं उनके द्वारा तत्काल गंगा एवं सहायक नदियों में खनन का कार्य बंद कर दिया गया है और इस आशय का एक पत्र भी उनके द्वारा जारी कर दिया गया है। लेकिन जो खनन सामग्री महंगी हो रही है उसके स्तर पर शासन स्तर पर निश्चित रूप से कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा। खनन को लेकर मात्र सदन लगातार अनशन करता आया है। मात्र सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने सीएम रावत और हरिद्वार के डीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खनन माफियाओं को इन्हीं का संरक्षण प्राप्त है। खनन गलत है, एनजीटी का आदेश जो है वो अपने आप कर रहा है कि हमने कभी खनन का परमिशन दिया ही नहीं, ये लोग गलत परमिशन से खोला है। और सीपीसीबी का आदेश है, हाईकोर्ट का आदेश है, सबके आदेश को दरकिनार करते हुए लोग खनन करते चले जा रहे हैं। सीएम साहब तो स्वयं खनन माफियाओं के साथ हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत और दीपक रावत, यही दोनों ऐसे हैं जिसके चलते इतना अवैध खनन हुआ है। वहीं खनन पर रोक लगने से इस कारोबार से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। खनन कारोबारियों का कहना है कि जहां एक ओर खनन सामग्री के मूल्य बढ़ गया है तो वहीं खनन बंदी के चलते नेशनल हाईवे का काम भी अटक गया है। खनन बंद होने से यहां की हरिद्वार की जनता परेशान हो गई है, न जो मकान नहीं बना रहे थे उनके मकान बंद हो गए हैं, जो माल 60 रुपए में मिल रहा था आज 120 में मिल रहा है, वो भी अवेलेबल नहीं है। विकास कार्य तो सारे ठप हो जाएंगे, जो सरकारी काम है वो भी बंद हो गए, एनएच का काम है वो बंद पड़ा हुआ है, रोड़ी बदरी नहीं मिलेगी तो एनएच का काम कहाँ से बनेगा। शासन प्रशासन की सरपरस्ती में खनन माफिया के काले खेल ने इलाके के पर्यावरण को तहस नहस कर दिया है। खनन पर ये लगाम जमीनी स्तर पर कितनी कारगर होती है ये देखना जरूरी है। हिमांशु चौहान, APN, हरिद्वार।